सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 6 दिसंबर 1992 को देश के कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कुछ ही घंटे में ढा दिया था, जिसके बाद सैकड़ों कार सेवकों को हिरासत में लिया गया और सैकड़ों कार सेवकों पर मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रामचंद्र भी शामिल थे। रामचंद्र ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद क्या माहौल था और कैसे बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया वो बता रहे हैं। जब जब हिंदुओं का राज आया उन्होंने बनाने की उसको कोशिश करी, लेकिन जब फिर मुसलमानों का राज आया उन्होंने फिर उसको तोड़ दिया। ऐसा ही चक्कर बहुत 400-500 साल से चला आ रहा था। ये हिंदुओं के माथे पर एक कलंक था जिसको मिटाना बहुत जरूरी था सबके लिए, लेकिन इसके लिए कोई पहल जो है वो हमारे जो साधु महात्माओं ने इन्होंने की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो पहल की वो बीजेपी और शिवसेना ने की। मुझे भी 3 दिन पहले बाला साहब ठाकरे का मैसेज आया था, फोन पे हम बात करते थे रात के 10 बजे के बाद। कभी मैं फोन करता था तो कभी बाला साहब ठाकरे का भी फोन आता था। तो 3 दिन पहले मेरे को फोन आया था बाला साहब का कि भाई आपको अयोध्या में जाना है और बाबरी मस्जिद को तोड़ के आना है, ऐसे ही नहीं आना है। तो मैंने हाँ की कि गुरुजी, मैं उनको गुरुजी बोलता था कि गुरुजी आपने जो कह दिया वो काम होगा, 100% होगा। इससे पहले हम मोरेश्वर सावे जी जो सांसद थे शिवसेना के, उनके नेतृत्व में हमने एक विजिट भी किया था अयोध्या का, तो वहां सारा सब कुछ देख के आए थे। ट्रेन से हम लोग गए थे तो हमारे को अखबार में जब सुबह अखबार आया ट्रेन में ही, तो पता चला कि भाई जो शिवसेना का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या आ रहा है उसको ट्रेन से उतरते ही रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे दिल में कोई किसी तरह का भय नहीं था, हमने कुछ नहीं समझा उसको और हम लोग ट्रेन से उतरे। और उस समय जो वहाँ का फैजाबाद का MLA था पवन कुमार पांडे, वो वहाँ का राज्य प्रमुख था यूपी का, उसने हमारी अगवानी की और हम लोग एक बहुत बड़े जुलूस के शक्ल में अयोध्या गए और वहाँ जाके उसका निरीक्षण किया। जब बाला साहब ठाकरे ने मेरे को आदेश दिया कि उधर अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ के आना है, तो मैं सोनीपत से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और मैं सोनीपत की जनता को और सोनीपत शहर को खिड़की से, ट्रेन के डिब्बे की खिड़की से आखिरी बार देख रहा था कि शायद हम लोग लौट के ना आएंगे, क्योंकि 1990 में मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, बहुत सारे कार सेवक मारे गए थे, घायल कार सेवकों को भी गधे घोड़ों की तरह तूड़े की तरह भर के ट्रकों में डाल दिया और उनको जाके नदी में पटक दिया, बहा दिए, जिंदा आदमी भी नदी में बहा दिए। तो कई सारी वीडियो मैंने देखी थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद हम लोग भी वापस नहीं आएंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सांसद और काफ़ी सारे और भी हम लोग ट्रेन से अयोध्या चले गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुकने के बाद हमने लगभग शाम को 8-9 बजे बाबरी मस्जिद की रेकी की। हम 5-6 जने थे वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद
हमने देखा कि वहाँ पीएससी का पहरा था। मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग इस बाबरी मस्जिद की सुरक्षा कर रहे हो, कल हम इस बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुनो। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर कल ये नहीं टूटी तो भविष्य में कभी टूटेगी भी नहीं। तो अपना तो संकल्प था चाहे जान बेशक चली जाए, लेकिन हिंदुत्व के लिए काम ऐसा कर जाएंगे कि सदियों सदियों हम लोगों को पब्लिक याद रखेगी। और वो काम अगले दिन हमने किया। अगले दिन सुबह, ये लगभग 9-10 बजे की बात है, खाना पीना खा पी के हम बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़े। वहां पर जब हम गए तो कुछ एक कार्यकर्ता, पता नहीं किस पार्टी ने वहां पर दीवार पर खड़े कर रखे थे। हमने उन लोगों को धक्के मारे, सबसे पहले तो उनको हटाया, उसके बाद अंदर बाबरी मस्जिद में घुस गए। बाबरी मस्जिद में घुसने के बाद वहां से हमारे पास कुदालें भी थी और भी बहुत सारी सामान हमारे को मिल गया, और मेरे पास उस टाइम तरसूल था। तरसूल हम लोगों ने धारण करा रखे थे शिवसेना वालों को, तो वो लेके हम लोग, मैं उस पे चढ़ गया गुम्मत पे और वहां जाके खोदने लग गया। थोड़ी देर वहां पे खुदाई करने के बाद मैं नीचे उतर आया। वहां पर जब मैं बाबरी मस्जिद में घुसा तो वहां पर जो है अंदर पुलिस भी थी, पुलिस के साथ हाथापाई हुई और पुलिस ने फायरिंग भी की, लेकिन जान की परवाह न करते हुए उसके ऊपर चढ़ के और उसको शुरुआत करके तोड़ने की, और वहां से नीचे आ गया। इसके बाद हम लोग काफी सारे थे और आके, और वहां बहुत सारी पब्लिक भी और आ गई थी, तो हम लोगों ने उसको, किसी ने कुदाल से तोड़ा, किसी ने किसी चीज से तोड़ा, मैंने भी खुद कुदालों से उसको तोड़ा। और इसके बाद जो है एक दो किला दूर अपने अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी और रितंबरा उमा भारती, ये लोग स्टेज पे चढ़ के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। ये सब वहां कार्रवाई हुई और लगभग 4-5 बजे तक पब्लिक ने इसको तोड़ दिया। कितनी पब्लिक रही होगी वहां पर? लाखों की तादाद में था, मैं खाली अकेले नहीं था, लाखों की तादाद में थे और उसको ध्वस्त कर दिया। मैं पहले जब मैं उतर आया था, उसके बाद वो जो गुम्मत था वो गिर गया, क्योंकि कार सेवक उसके नीचे भी घुसे हुए थे और कई सारे कार सेवक भी उसमें मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो वहां से जब हमने तोड़ दी तो चार ईंटें लेके मैं भी वहां से चल पड़ा। तो उस टाइम धारा 144 लगा दी वहां पे, और पूरी पब्लिक जो है, और हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। वहां से आने के बाद देखा कि ट्रेन में खचाखच भरी हुई थी, हम भी उसमें अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद हम अपने दिल्ली आके उतर गए, दिल्ली से सोनीपत आ गए। कुछ टाइम के बाद सीबीआई को मालूम पड़ गया कि भाई रामचंद्र खत्री इसमें गया हुआ था, लेकिन वो लोग, उन लोगों ने मेरे रेजिडेंस पे छापा मारा, लेकिन उस टाइम मैं नहीं मिला क्योंकि मैं सुबह सुबह एक सांसद से मिलने दिल्ली चला गया था। जब मैं शाम को 5 बजे आया ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे ही मेरे आदमी शिव सैनिक मेरे को मिले, बोले ऐसे ऐसे सीबीआई ने छापा मार दिया, तो अब क्या करें। मैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। तो जिस टाइम मुझे मालूम पड़ा, जिस टाइम सीबीआई सोनीपत में आई, तो सबसे पहले एसपी से परमिशन लेने गई थी मेरी रेस्टिंग के लिए, तो एसपी ने उनको क्लियर कर दिया था कि भाई जो रामचंद्र खत्री है ये आम आदमी नहीं है, इसको अगर पकड़ने आप जाओगे तो पब्लिक इतनी ज़्यादा उग्र है इनके साथ, ये हिंदुओं के दिल में राज करता है कि तुम्हें पब्लिक मार देगी, तो उनकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। तो अगले दिन जो है
मैंने सोनीपत SHO को फोन किया कि भाई अगर तुम्हारी CBI में और तुम्हारे में दम है तो मैं आज 12 बजे अपने रेजिडेंस पे आऊंगा, तुम लोग मुझे गिरफ्तार करके देख लो। तो अगले दिन मैं अपने रेजिडेंस पे आ गया। CBI में एक इंस्पेक्टर गांव ललेड़ी से था, मेरी माताजी जो है वो गांव ललेड़ी से है, मलिक है, वो भी मलिक था, उसने मेरी माँ को पहचान लिया था। तो अगले दिन वो जो है आया और मेरी पहले मेरी माँ से बातचीत कर गया था कि बहन ऐसे ऐसे मैं फलाने का हूँ और बेटे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आप रेस्टिंग दिलवा दो। तो मेरी माँ ने जवाब दिया कि मैंने अपने बेटे को हिंदुत्व के लिए कुछ भी करने को तैयार कर रखा है, मैं ना तो मैं डरती हूँ ना मेरा बेटा डरता है, अगर देश को कुर्बानी चाहिए तो मेरा बेटा तैयार है। अगले दिन फिर CBI वहां से चली, क्योंकि मेरे को तो उनके बारे में पता नहीं था, उन्होंने ही मेरे को बताया। तो दो बसें पुलिस वालों ने तैयार कर रखी थी, पुलिस वालों की भर के सिटी थाने के आगे खड़ी कर रखी कि भाई कोई भी बात हो तो हमें बुला लेना। तो उसने इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा है पहले हम लोग जाएंगे, अगर कोई बात होगी तो बुला लेंगे। तो बाहर वो गाड़ियां अपनी खड़ी करके जैसे ही अंदर आने लगा तो दूसरे इंस्पेक्टरों ने उसको मना किया कि भाई तू मत जा, तेरे को अंदर खतरा है, मार देंगे। वो बोला भाई हमारा समाज जो है वो इस टाइप का नहीं है, मैं रामचंद्र खत्री का मामा लगता हूं और वो एक दर्जन केड़े भी लाया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ये क्रिमिनल नहीं है, वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। तो अंदर आया, मेरी माँ से मिला, मुझसे मिला और मेरे को कहा कि बेटा ऐसा है आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो लेकिन रेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद कहाँ रहे आप? हाँ उसके बाद मैं बताऊंगा। तो क्या हुआ कि मैं कोई बात नहीं, मैंने पार्टी वालों से भी बात की, पार्टी वाले बोले कोई बात नहीं आप रेस्टिंग दे दो। तो मैंने अपनी रेस्टिंग दे दी। रेस्टिंग होने के बाद वो मेरे को सोनीपत कोर्ट में ले गए, 10 दिन का जो है उन्होंने वहाँ से रिमांड लिया। उसके बाद वो मेरे को सम्राट होटल दिल्ली लेके गए, 10 दिन मेरे को वहाँ सम्राट होटल में रखा। सोनीपत की जनता मेरे को कुंडली बॉर्डर तक छोड़ के आई। उसके बाद मेरे को कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से मेरे को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से मेरे को जो है तिहाड़ जेल में 3 दिन के लिए भेज दिया। 3 दिन के बाद मेरी कच्ची जमानत पे मैं बाहर आया। उसके कुछ टाइम के बाद मेरे को लखनऊ बुलाया गया जब पक्की जमानत के लिए डेट मिली। जब मैं CBI कोर्ट लखनऊ गया तो वहां मुझे पकड़ के फिर उग्रवादियों में बंद कर दिया, जबकि मेरे ऊपर भी मैं उग्रवादियों के हिट लिस्ट में था क्योंकि हिंदुत्व के लिए मैं बहुत दिन रात काम करता था। मुझे भी ISI की तरफ से मारने के लिए 20 लाख रुपए का इनाम था। यह सब देखते हुए भी मेरे को उग्रवादियों में लखनऊ जेल में बंद कर दिया। और इसका मैं बताता हूं आपको कि मुझे मारने के लिए एक करीम टुंडा उग्रवादी सोनीपत आया था, लेकिन वो सोनीपत में जो है मेरे रेजिडेंस तक नहीं आ पाया क्योंकि उसके मन में डर इतना था हम लोगों का हद से ज्यादा, और वो गीता भवन चौक में ही बम फाड़ के चला गया। और मुझे जो है उसका पता लगा अगले दिन, मेरे को इतना तो पता लग गया था कि वो उग्रवादी घायल हो चुका है,
लेकिन मेरे को ये नहीं पता लगा कि उग्रवादी है कहां। अगर मुझे ये पता चल जाता कि उग्रवादी वहां छपा है तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम लोग उसको मार देते। रामचंद्र जी, आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक मिनट, तो क्या हुआ, मेरे को सेंटर से सिक्योरिटी भी पास थी, लेकिन मेरे पास 10-9 गनमैन थे। मैंने ये कह के आज भी यहाँ अपना डीसी ऑफिस में जो मेरे पास आया था सीआईडी वाला, ये सब इंफॉर्मेशन देने, उसको मैंने ये कह के मना कर दिया कि मेरी सिक्योरिटी जो है सोनीपत की जनता है, हरियाणा की जनता है, प्रत्येक आदमी हिंदू, प्रत्येक हिंदू मेरे साथ है, मुझे किसी की पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए कह के मैंने कैंसिल करवा दी थी। और उसके बाद लखनऊ जेल से मैं उग्रवादियों में बंद होके 3 दिन बाद मेरे को वहां से निकाल दिया। उसके बाद इन लोगों ने बार बार हफ्ते हफ्ते की भी मुझे तारीखें दी, और भाई साहब हर हफ्ते जो ट्रेन में बस में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग बड़े दुखी हुए, कहीं कहीं तो हमारे जो कोई बस वाला बैग ही लेके भाग गया, कहीं हमारे कपड़े फट गए। हद से ज़्यादा जो परेशानी होती है ना वो उठाई हमने, और कभी किसी ने ये कहे कि कोई किसी ने 5 पैसे की भी हेल्प की हो, हमने राम के नाम पर किसी से हेल्प नहीं ली और ना जिंदगी में लेंगे। जो दिल में था हमने भगवान के नाम के लिए काम किया है। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है। हम लोग, हम 7-8 जो उस बाबरी मस्जिद वाले केस में जो हैं बीजेपी के 7-8 लीडर हैं, लेकिन पता नहीं किस कारणवश हमारे जो सीनियर हैं नेता, उन्होंने हम लोगों को इन्विटेशन नहीं भेजा। ये थोड़ा दुख है, लेकिन हमने ये जो काम किया न तो किसी मान सम्मान के लिए किया कि हमें कोई मान सम्मान मिले, पद मिले, किसी तरह का लालच नहीं था। हमने भगवान के नाम पे कर दिया और भगवान के नाम पे आगे की भी करते रहेंगे। और एक मिनट और, इसको किस तरह मनाएंगे आप, 22 जनवरी को किस तरह मनाएंगे? 22 जनवरी को मैं भी एक श्री राम मंदिर में जाऊंगा और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करूंगा।